सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर स्थित खैराबाद टोल गेट के निकट बारा भारी गांव में निर्माणाधीन पराग रस्क फैक्ट्री की स्लेप यानी छत का ढलान किया जा रहा था, जिसकी छत फटकर अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर स्लेप के मलबे में दब गए। फैक्ट्री की अचानक स्लेप गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आनन फानन थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर जेसीबी की सहायता से राहत कार्य शुरू किया। थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को खैराबाद के स्थानीय बीसीएम हॉस्पिटल में भेजकर मानवता की मिसाल कायम की। वहीं बीसीएम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कई लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसमें एक घायल की इलाज के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। घायल मजदूर के परिजनों ने इस निर्माणाधीन फैक्ट्री को मानक विहीन बताते हुए सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करते हुए जाँच की मांग की है। पूरा मामला ये हुआ भैया, ये बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग बनने के समय में जो बिल्डिंग की स्लेब डाली जा रही थी, तो इसका थोड़ा गैप देखिए, गैप कितना लंबा है और इसमें कोई बीम नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो बिल्डिंग रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था, क्योंकि खंभा लगे होते, अड़ाना ढक्कन लगे होते तो ये बिल्डिंग रुकती, लेकिन इतनी लंबी बिल्डिंग और इतनी गैप है तो सरिया रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। बाबा, ये घटना कितनी बजे घटी? ये घटना भैया, तो अभी हम ड्यूटी से आए तो हम घटना का समय तो बता नहीं पाएंगे। क्या हुआ फिर? हुआ क्या था भैया, इतना हम जो बता रहे हैं उसको समझिए आप, कि जो बिल्डिंग की स्लेब पड़ रही थी, इसकी इतनी गैपिंग थी, इस गैपिंग को लेकर के ये देखा जाए इंजीनियर से या किसी स्पेशलिस्ट से पूछा, इतनी लंबी गैपिंग की जो स्लेब डाली जा रही है वो रोक के किस बेस पे जाएगी? ये किसकी किसकी फैक्ट्री है? ये कोई गोपाल है सीतापुर का। कितने लोग काम कर रहे थे? अरे इसमें भैया गिनती तो हमारे पास नहीं, कितने लोग हैं ये तो बाबा शासन प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से हम ही चाहते हैं कि मृतक को जो मरे हैं इसमें, उसको ये जमीन उसके वारिस के नाम की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।